हाय गाइस, आज आई बिलीव स्पेशल वीडियो है। चलो गेस करो पानी में कौन सा डिवाइस है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये ना सैमसंग का पहला टैब है जो कि IP68 रेटिंग के साथ आता है। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा। और सबसे क्रेजी बात, इसका साइज देखो भाई, एक बार मेरी बॉडी के रेफरेंस से आप अंदाजा लगा लो, ये 14 इंच से भी ऊपर है। और पता है ये बहुत ज्यादा ना इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आएगा। इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजी मैंने पता है क्यों बोला है, क्योंकि ये एक डिवाइस जो है तीन चीजों का काम करने वाला, और मैं वही एक्सप्लेन आपको करूंगा। देखो ये लैपटॉप की तरह भी वर्क करेगा, समझाऊंगा कैसे, ये टैबलेट की तरह भी परफॉर्म करता है, इनफैक्ट ये एक ही डिवाइस एक स्मार्टफोन की तरह भी परफॉर्म करता है। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, इस वीडियो में आपको वन बाय वन ये सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा पता है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये एड्रेस करूंगा, ये इतना बड़ा स्क्रीन साइज है 14.6 इंच का, खेले डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है जो कि सैमसंग की काफी फैंटास्टिक डिस्प्ले में से एक है, आउटपुट ही बहुत अच्छा आता है। बट सबसे लाइक ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि इतने बड़े टैब की क्या जरूरत है। बट मेरे पास इसका एक छोटा सा आंसर है। देखो जब मैं इस टैब को टेस्ट कर रहा था ना, तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि इतनी बड़ी डिस्प्ले होने की वजह से ना क्लटर फ्री मल्टीटास्किंग कर सकता हूं। देखो क्या सीन है ना, मैंने लेफ्ट साइड में ईमेल खोला था और अपर वाली साइड में यहां पर न्यूज चल रही है लाइव, और नीचे वाली साइड में गैलरी ऐप है। ये सारी मल्टीटास्किंग मैं एक साथ कर पा रहा हूं और सारी चीजें विजिबल तो है ही। बट हेल्पफुल चीज ये है कि मैं गैलरी ऐप से सीधा ड्रैग करके मैं ईमेल में कोई भी फोटो भेज सकता हूं, और ऑब्वियसली को डॉक्यूमेंट भेज सकता हूं ऐसे ड्रैग करके। बट असली मल्टीटास्किंग का मजा आता है जब फ्लोटिंग विंडोज भी आ जाती है, जैसे कि मैंने यहां पर इंस्टाग्राम खोल दिया। अब लगा लो भाई मैं काम करके थक गया हूं, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स को स्वाइप कर सकता हूं, और जैसे ही मुझे काम करना है ऐसे लेफ्ट की तरफ मैं इसको स्वाइप करता हूं और ये बंद हो गया, मिनिमाइज हो गया। और मैं ऐसी टोटल 5 फ्लोटिंग विंडोज खोल सकता हूं, जैसे कि मैंने कैलकुलेटर खोला हुआ है बिजनेस वर्क करने के लिए। यार ये ना टैब की वर्किंग बहुत सही है इस बड़ी स्क्रीन के अंदर मल्टीटास्किंग वाइज देखा जाए तो। खैर इस टैब को एक्सपीरियंस करते समय मुझे ये भी फील हुआ कि भाई स्मूथ रहती है लाइक सारी स्क्रॉलिंग वगैरह, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है ना 60 से 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट हो सकती है, तो जो ओवरऑल स्मूथनेस है वो भी सही लगती है। इनफैक्ट ये जो डिस्प्ले 9/13 nits ब्राइटनेस के साथ आती है, तो आई थिंक आउटडोर विजिबिलिटी भी ठीक रहेगी। अब खुद ही इमेजिन कर लो इतनी बड़ी डिस्प्ले में HDR कंटेंट देखने में कितना मजा आएगा, लाइक जो OTT पे होता है वो भी बहुत सही रहेगा एक्सपीरियंस। ये चीज इस टैब में बहुत अच्छे से होती है। अच्छा नेचुरली किसी का भी क्वेश्चन ये आएगा कि इतने बड़े स्क्रीन साइज क्या कंफर्टेबल है ऐसे पकड़ने में, मतलब लंबे समय के लिए मैं कंटेंट देख सकता हूँ ऐसे होल्ड करके या फिर यूज कर सकता हूँ। देखो सीधा आंसर ये है कि नहीं, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इतना बड़ा टैबलेट खरीदेगा तो, जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको बताऊंगा कि ये लैपटॉप की तरह कैसे वर्क करता है, तो ये पॉसिबल होता है इस कवर की वजह से। देखो इसको कनेक्ट करना बहुत आसान है, ऐसे मैग्नेटिकली ये कनेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट इसका बैक कवर भी जो है मैग्नेटिकली ऐसे स्नैप हो जाता है, और ये किक स्टैंड की तरह भी वर्क करता है। और एक कवर लगने के बाद ये कुछ ऐसे लैपटॉप की तरह बिहेव करने लगता है। और पता सबसे अच्छी बात क्या है, ये कीबोर्ड मुझे बहुत सही लगा, एक अच्छा कीबोर्ड है, ट्रेवल बहुत अच्छा है, और ये एक बैकलिट कीबोर्ड है तो अंधेरे में टाइपिंग इजिली हो सकती है। और ये जो ट्रैक पैड है ना बहुत सही वर्क कर रहा है यार, ये सारे जेस्चर्स सपोर्ट करता है, जैसे कि एक विंडोज लैपटॉप के अंदर जेस्चर्स होते हैं वो सारे इसमें भी है। और विंडोज से मुझे याद आया, जैसे आप एक कवर लगाते हो ना तो सैमसंग का डेक्स मोड ऑन हो जाता है, और इस मोड की वजह से ना सीरियसली पूरी है ना रियल लैपटॉप वाली फीलिंग आ जाती है, जैसे कि सारे डेस्कटॉप लेवल की ब्राउजिंग मैं कर सकता हूँ जैसे कि एक लैपटॉप में होती है। इनफैक्ट नीचे टास्क बार देख रहे हो, मैं कोई भी ऐप खोलूंगा लेफ्ट की तरफ स्नैप करूंगा हाफ विंडो में खुल जाएगी जैसे कि विंडोज में होता है। इनफैक्ट एक और ऐप खोल के राइट की तरफ स्नैप करके यहाँ पर राइट साइड वो खुल जाएगी, तो स्प्लिट स्क्रीन देख रहे हो कितना आसान हो गया। बिल्कुल यही तो एक्सपीरियंस मिलता है हमें विंडोज में, ऊपर से यहाँ पर जेस्चर्स तो है ही। देखो बेसिकली अभी तक मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कितना अच्छा टैब की तरह वर्क करता है, सिमिलरली ये लैपटॉप की तरह भी बिहेव कर पा रहा है। और है ना यार सच बता रहा हूं, इसको जितना मैं एक्सपीरियंस करता हुआ जा रहा हूं ना, मुझे बहुत इंपैक्टफुल टेक लग रही है ये। क्योंकि ना होता है ऐसे एक दो साल में कोई एक ऐसा डिवाइस आता है इस टेक वर्ल्ड के अंदर जो कि सच में इंपैक्ट छोड़कर जाता है, और अलग अलग डायमेंशंस में ना ये डिवाइस मुझे शॉक कर रहा है। जैसे कि बैटरी डिपार्टमेंट जो है इसका, इसमें 11,200
200 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 10,000 mAh के तो पावर बैंक होते हैं यार। वैसे ये जो चार्ज है ना 45 W पे होता है, थोड़ा टाइम लगेगा चार्ज होने में, बट यार ऑब्वियसली बैटरी बैकअप भी ज़्यादा होगा आई बिलीव। अच्छा, चार्जिंग से मुझे याद आया, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो एस पेन है ना, ऐसे पीछे की तरफ मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है और ये वायरलेसली चार्ज होता रहता है। बट अच्छी बात ये कि बाई डायरेक्शनल चार्जिंग भी सपोर्ट कर रहा है, तो लाइक आप इसको उल्टा भी लगा सकते हो। बट पता है, मैं इस टैब को इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजी नहीं बोलता अगर इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ठीक नहीं होता। तो देखो, इसमें एंड्रॉइड 13 मिलता है, UI 5.1.1 है, और सैमसंग प्रॉमिस कर रहा है कि 4 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। बट जिस तरीके की ऑप्टिमाइजेशन और ये जो फीचर्स लेकर आ रहा है, मुझे लगता है कि वो सच में डिफरेंट है। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर लेफ्ट साइड में ब्राउजिंग चल रही है और राइट साइड में मैं नोट्स बना रहा हूं, और अगर मुझे एक पिक्चर में से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और उसको नोट्स में पेस्ट करना हो, तो वो एक्चुअली में इजिली हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं चाहूं पूरा का पूरा वेब पेज कॉपी पेस्ट करना, तो यार बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाता है वो नोट्स में। और मैंने तो एक और चीज एक्सपीरियंस करी, मैंने ना एक वीडियो चला रखी थी, फिर मैंने जो है पॉज कर दिया और बाय चांस सब्जेक्ट के ऊपर टच हो गया, और मैंने नोटिस करा कि यार मैं तो वीडियो में से भी एक सब्जेक्ट को सिर्फ सेलेक्ट करके पेस्ट कर सकता हूँ कहीं पे भी। देखो, मुझे एक चीज में बहुत खुशी हो रही है कि सैमसंग अपने इकोसिस्टम को कितना अच्छा बनाता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, आपको सच में इंप्रेसिव लगेगा। देखो, क्लिप स्टूडियो नाम की एक यहाँ पर ऐप है जिसके अंदर आप ड्रॉइंग कर सकते हो, लेकिन इकोसिस्टम का फायदा ये है कि अगर मैं S23 Ultra को कनेक्ट कर देता हूँ टैब के साथ, तो S23 Ultra के अंदर टूल बॉक्स आ जाएगा और वहां पर मैं कुछ भी S Pen से सेलेक्ट करूंगा, वो टैब में भी सेलेक्ट हो रहा है और एक तरीके से कंपेनियन की तरह S23 Ultra वर्क कर रहा है। फिर चाहे मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट करूँ या फिर ब्रश साइज, यार बहुत अच्छा लग रहा है देखने। देखो, सबसे हेल्पफुल चीज दिखाता हूँ इकोसिस्टम की, अब है ना टैब से ट्रैक पैड कनेक्टेड है और ये ट्रैक पैड जो है मेरे फोन में भी चल रहा है S23 Ultra के अंदर, और अब है ना ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं फाइल भी ट्रांसफर कर सकता हूँ दोनों के बीच में, और नो डाउट कीबोर्ड जो है फोन में भी वर्क करेगा और टैब में भी, और बाकी भी जो बेसिक इकोसिस्टम के फीचर होते हैं ऑब्वियसली वो भी मिलते हैं हमें। जैसे कि मैं S23 Ultra में TWS कनेक्ट करके गाने सुन रहा हूँ, और अगर मैं टैब में YouTube चलाना शुरू कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली अब TWS में आवाज आने लगेगी टैब की। और जो बाकी इकोसिस्टम के फीचर भी, जैसे क्विक शेयर, प्राइवेट शेयर, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है सैमसंग इकोसिस्टम के ऊपर, आप वो भी देखना, वो सब मिलता ही है। और नेक्स्ट इंपैक्टफुल चीज पता है क्या कर पाता है टैब, इसमें आप एक 5G सिम लगा सकते हो, एक तो फिजिकल सिम लग जाएगी और एक और 5G सिम लग सकती है जो कि ई सिम होगी। इसका मतलब समझ रहे हो, मैं इससे कॉल कर सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा इससे ऐसे बात करनी पड़ेगी, मैंने ट्राई किया था वैसे नहीं होता, बट ये जो है लाउड स्पीकर पे शिफ्ट हो जाता है कॉलिंग के टाइम पे और अच्छे से बात होती है, नहीं तो TWS तो लगा ही सकते हो ना कॉलिंग के लिए। और हम इग्नोर नहीं कर सकते, एक 5G सिम का बेनिफिट ये भी है, जैसे कि एक लैपटॉप की बात करते हैं, उसमें हम Wi-Fi पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर Wi-Fi मिल गया तो इंटरनेट है, बट सिम की वजह से ये हर जगह पे इंटरनेट दे सकता है मोबाइल डाटा की वजह से। एक और चीज, अगर आप स्टोरेज एक्सपेंड करना चाहो तो 1 TB तक का microSD कार्ड लग सकता है इस टैब के अंदर। भाई ये चीज तो फोन में से भी गायब हो रही है आजकल। आई थिंक ये जो आर्मर एल्यूमिनियम यूज करा है और गोरिल्ला ग्लास 5 इसके अंदर, नो डाउट इसको एक ड्यूरेबल टैब बना रहा है। इनफैक्ट मैं तो अपने एक्सपीरियंस में आपको ये बताऊंगा, जो यहाँ पर क्वाड स्पीकर लगे हुए हैं ना, यार EKG ट्यून्ड है ये और बहुत सही साउंड कर रहे हैं, ऊपर से डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है, अगर आप डॉल्बी एटमॉस वाला कंटेंट देखना चाहो। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई कि टैब में ना अच्छे हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलते, बट सैमसंग ने अच्छा हैप्टिक फीडबैक भी डाला है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो है, वो भी ठीक वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक नई चीज सीखने को मिली। देखो, इस टैब के अंदर ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 4 गैलेक्सी प्रोसेसर लगा हुआ है और ये प्रोसेसर S23 Ultra में भी हमें देखने को मिला। बट यहाँ पर मुझे सीखने को मिला कि अगर हम एक प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा जगह दे दें, तो भाई वो थर्मल्स भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है और वो परफॉर्म भी बहुत सही करता है। जैसे कि ये टैब Antutu पे 15.6 lakh के अराउंड स्कोर लेकर आ रहा है, और Geekbench की बात करूँ तो वहाँ पर मल्टी कोर स्कोर जो है 5600 के अराउंड है, और ये दोनों चीज़ बहुत अच्छी है। 88% आई है और ग्रीन ग्राफ है, और स्टेबिलिटी की बात करूँ स्ट्रेस टेस्ट में तो वहाँ पर 80.4% की स्टेबिलिटी देखने को मिली। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने मजे के लिए करी थी टेस्टिंग करने के लिए कि क्या परफॉर्म कर रहा है भाई ये। मैंने ऐसे है ना फन के लिए 3 गेम्स खोल दी इस टैब के अंदर, एक जगह पे BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी और नीचे की साइड जेंशन इंपैक्ट, और जेंशन इंपैक्ट बहुत हैवी गेम है, और देखना ये तीनों चल रहे हैं गेम्स। और अगर मैं अभी होम पे जाता हूँ और वापस रीसेंट ऐप से दोबारा लोड करता हूँ, तो अभी भी तीनों गेम रैम में यार कर तो बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है। वैसे इस टैब में फ्लैगशिप प्रोसेसर लगा हुआ है और BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी तो ज्यादातर प्रोसेसर हैंडल कर लेते हैं, लेकिन एक गेम की मैं बात करता हूँ हमेशा, खासकर अच्छे परफॉर्मेंस वाले फोन्स में, रेकफेस्ट गेम है एक, जहां पर 15
15 ओपोनेंट्स होते हैं और 30 लैप की मैं रेस करता हूं और यहां पे पता लगता है असली परफॉर्मेंस का। आज तक है ना इस गेम में मैंने मैक्सिमम किसी फोन में 95 FPS के अराउंड देखने को मिले हैं। और पता है जैसे जैसे गेम खत्म होता है तो भाई परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होने लगती है, FPS भी ड्रॉप होने लगते हैं। बट जब मैंने इसमें पूरा गेम खेला 30 लैप तक का, पता है आपको इसने थ्रू आउट मुझे 100 FPS दिए और एक टाइम तो ऐसा आया था कि 119 FPS भी देखने को मिले थे। भाई नो डाउट ये इंप्रेसिव है। बाकी हाँ S Pen की बात करूं तो मुझे पता है काफी लोग इसको ड्रॉइंग के लिए भी देखना चाहेंगे, मतलब पेंट वगैरह के लिए भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा वर्क करेगा। इनफैक्ट यहाँ पर एयर जेस्चर्स भी मिलते हैं, अगर मैं इसको स्वाइप अप और डाउन करता हूँ एयर में तो देखो वॉल्यूम अप और डाउन हो सकती है, और अगर मैं सिंगल बार इस बटन को प्रेस करूँ तो प्ले और पॉज हो जाएगी वीडियो, और दो बार प्रेस करने पे फ्रंट और बैक हो सकती है वीडियो या फिर गाने। बट जो इस S Pen का फीडबैक है ना वो मुझे अच्छा लगा है क्योंकि एक रियल पेन की फीलिंग देता है, मतलब साइज में बड़ा है तो मुझे वो कम्फर्ट अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं आपको कैमरे के बारे में बताता हूँ। मैंने आज तक ना इतना अच्छा कैमरा किसी टैबलेट में टेस्ट नहीं करा है। देखो इसमें टोटल चार कैमरे मिलते हैं, बैक साइड जो है 13+8 मेगापिक्सल का कैमरा है और फ्रंट वाली साइड जो है 12+12 मेगापिक्सल का मिलता है। और मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ। यार फोटोज देखने के बाद लगता है कि किसी महंगे से डिवाइस से फोटो खींची है। यहाँ पर लिटरली जो सैमसंग की प्रोसेसिंग है S23 अल्ट्रा में वो सिमिलर सी प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। जो कलर्स है, शार्पनेस है, HDR, वो सब कुछ बहुत अच्छा है इसका। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि यार इतने बड़ा टैब कोई आउटडोर ले जाकर फोटो खींचना चाहेगा? आई बिलीव नो। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करो तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी सेल्फीज लेता है, बट कोई भी इसको वीडियो कॉल के लिए ज्यादा यूज करेगा ना तो मैं आपको सीधा वीडियो सैंपल दिखाता हूँ अभी ऑन रिकॉर्डिंग। यार मेरे हिसाब से यार देखना वीडियो क्वालिटी मेरे हिसाब से काफी सही है यार, अच्छी डिटेल आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर अल्ट्रा कर सकता हूँ, अल्ट्रा वाइड लेंस भी ना यहाँ पर फ्रंट में, ये भी अच्छा है यार मेरे हिसाब से। बट मैं आपको बोलूंगा कि भाई माइक की क्वालिटी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी। और आपको सच बता रहा हूँ मैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोग को इस सारी बातें बताने में, क्योंकि ना होता है भाई एक ऐसा टाइम आता है एक दो साल में ना एक ऐसा टेक प्रोडक्ट आता है जो बहुत इम्पैक्टफुल होता है, और है भाई काफी एक्सट्रीम तक जा रहा है ये डिवाइस जो है। अच्छा प्राइस की भी बात कर लेते हैं। इसका जो वाईफाई वाला बेस वेरिएंट है वो 1,09,000 से स्टार्ट होता है और 5G के साथ जो हाईएस्ट वेरिएंट है वो 1,34,000 तक जाता है। और इस पे ना ऑफर भी है, जैसे कि HDFC का बैंक कैशबैक है 12,000 तक का, इनफैक्ट सैमसंग का अपग्रेड बोनस भी है 3,000 तक का, और अगर आपके पास सैमसंग एक्सेस क्रेडिट कार्ड है तो वहां पर 10% कैशबैक और वैसे 24 तक की नो कॉस्ट EMI भी है। इसमें सच में एक्सट्रीम फीचर है टेक रिलेटेड, जैसे कि लैपटॉप बन जाना एक डिवाइस का, फिर सडनली टैब बन जाना, फिर उसके बाद ये फोन की तरह भी बिहेव कर पा रहा है। नो डाउट ये बहुत इंप्रेसिव टेक है, एटलीस्ट मुझे तो लगा भाई टेस्ट करने में बहुत मजा आया। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छे से लिख के बताना मुझे, क्योंकि चीज ही ऐसी है भाई। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।